आप भी तो यहाँ से हर रोज गुजरते हैं। लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? ब्यूटी कॉन्टेस्ट ना लाइक ब्यूटी कॉन्टेस्ट। देखा, मैंने कहा था ना एक दिन इसकी जाल में फंस जाएंगे। फिल्मों में दिखाते हैं ना, संदूक खोला और उसके अंदर हीरे जवाहरात सोना। मंगला, क्या है तेरी आवाज को क्या हो गया? मैं समीर हूं। समीर, तेरा तो गला बैठ गया था ना। हाँ, खड़ा हो गया। मुझे लगा भगवान का बैठ गया है। भुट्टा इतना पका हुआ है, इसके हाथ में कैरी दो आम बन जाएगा। बहाना है इसको, निराली आने वाली है। दादाजी, आपकी छड़ी। छड़ी? छड़ी क्यों? आपको बाहर जाना है ना। बाहर नहीं तो तू क्यों मुझे बाहर भेज रहा है? कोई आने वाला है? कौन? कोई नहीं। अच्छा अच्छा, निराली आने। आंखें नहीं है तो ये हाल है। आंखें होती तो आने वाली को देख लेता मैं। मतलब निराली आने वाली है। अब तो बेटा मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। वाह, आने दो निराली को। अरे दादाजी, कोई निराली विराली नहीं आने वाली है। मैं भी मेरे बाप को इसी तरह मंदिर भगाया करता था कि डैडी मंदिर जाइए मंदिर जाइए। आपकी लव मैरिज थी? यस बेटे, स्वतंत्र भारत का शायद वो पहला लव मैरिज होगा, फर्स्ट वन। और दादी की? दादी का भी लव मैरिज हुआ ना, बदमाश। नहीं, आपने दादी की सेटिंग कैसे की? सेटिंग? इट्स अ रॉन्ग वर्ड। मेरा मतलब है आपने वो दादी को किया कैसे? वो क्या करते हैं ना, वो प्यार का इजहार। प्यार का इजहार? वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा। टाइम लगेगा उसके पीछे? नहीं, लेकिन सुननी पड़ेगी। मैं उन दिनों जंगल जाया करता था, सुबह 6:30। घर पे टॉयलेट नहीं थे ना तब। अरे पगले, टॉयलेट नहीं, वॉक के लिए जाया करता था। वही जंगल में तो मेरी मंजिल थी। अच्छा, जंगल में मंगला। शट अप एंड फॉलो मी। अरे दादा की लव स्टोरी कुछ ज्यादा ही चल रही है यार। कुमार गौरव की लव स्टोरी वो भी इतनी नहीं चली थी। ए, आयो। अब और कितना चलना पड़ेगा? ए, चुपचाप चलना, मैंने बोला था फ्लैशबैक में आने के लिए। हाँ दादाजी, फिर क्या हुआ? फिर मेरी जिंदगी में बेटे एक मोड़ आया। ये तुम क्या कर रही हो गोबर? ये तो आर्ट फिल्म की हीरोइन लग रही है यार। अरे है तो अपनी बुड्ढी, सिर्फ जवान लग रही है। तुम यहाँ हर रोज आती हो? आप भी तो यहाँ से हर रोज गुजरते हैं। कल क्यों नहीं आई? कल सोमवार था। सोमवार? सोमवार को गाय गोबर नहीं देती क्या? सोमवार को मैं मंदिर जाती हूँ। क्या? 16 सोमवार का व्रत रखा है। मेरी माता कहती है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से एक अच्छा वर मिलेगा। जब तुम्हें सोमनाथ ही मिल गया है तो बाकी 15 सोमवार करने की क्या जरूरत है? वाह, लाइन मार रहा। इश। तब जाके हुई हमारी शादी। यह है बेटे मेरे इश्क की दास्तान। हो गया। अरे नहीं, शादी के बाद क्या हुआ? हनीमून के लिए। दादाजी। हाँ? वाकई दादी ने आपको मंदिर बुलाया था। लगता है तू बोर हो गया है ना। कोई बात नहीं बेटे, मैं मंदिर जाके आता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, लड़कियों के मामले में हिम्मत है मर्दा। मत दे खुदा। या, मर्दा या खुदा, वरना दादा तो है ही। गुड लक बेटे। थैंक यू दादाजी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादाजी। आगे बढ़ो, फतेह करो, आगे तुम्हारी जीत है। मैं शेव करके आता हूँ। अबे कितनी बार शेव करेगा? अरे मैं नहीं ये बोल रहा यार। जा दरवाजा खोल। अरे इस वक्त कौन आया होगा? निराली। अरे गुड। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सुनो। हाँ मुझे लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। हाँ
नहीं, वो पीछे से लगता होगा। मुझे पीछे से देखकर बहुत लोगों को आप जैसा ही लगता है। सुनो भाई, अरे मेरी बात तो सुनो। मैं भेजता हूँ किसी को। किसको भेजोगे? अरे अरे तुम मेरी तरफ घूमती क्यों नहीं हो? नहीं, मैं तो घूम रहा हूँ, लेकिन आप भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं ना, तो ओके 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 मैं घूमना बंद कर देता हूँ बस। लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या? हाँ, क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या? मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे लेकिन जाते जाते ये तो बता जाओ कि सोमनाथ जी कहाँ गए हैं? वो मंदिर गए। मंदिर गए हैं? अरे भाई, तुम पूरे चेहरे को क्यों साबुन लगा रहे हो? पूरे चेहरे पे बाल आते हैं? कमाल, लोगों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं। अच्छा भाई बताओ, ये सोमनाथ जी वो भी दाढ़ी बनाने गए? कौन है भाई? जी मैं भिकी भाई कॉलेज का डीन हूँ, मुझे सोमनाथ जी से मिलना है। अच्छा अच्छा, तू कभी सोमनाथ जी से मिला है? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी। मैं ही सोमनाथ हूँ, बोल। अच्छा आओ फिर। लेकिन अभी अभी एक लड़के ने कहा कि आप मंदिर गए हुए हैं। वो मेरा नौकर है, मंदिर ही जा रहा था, वाइफ की टूटी हुई चप्पल टूट गई तो लौट आया। आपसे आपसे मिलके मैं बहुत धन्य हो गया। आप अंधे हैं? क्या कर लेगा पे? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत तारीफ सुनी है। आप एयरफोर्स में थे, फिर रिटायरमेंट के बाद हमारी कॉलेज में प्राध्यापक हुए संस्कृत के। हमारी सारी कॉलेज आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है ठीक है, आप बैठ। थैंक यू। अबे संभाल के। क्या हुआ? टेबल है ना। आप सचमुच अंधे हैं? Can't you see? Oh, can't see? I can see. I can वो घड़ी दिख रही है? हाँ, दिख रही है। वो नहीं, ये। अच्छा ये। मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिखाई दे रही है। कितना बजा? 7:30। ग्यारह बजे। मुझे नहीं मालूम कि कितना बजा है। मुझे दिखाई दे रहा है। अब विश्वास हुआ कि मैं अंधा हूँ? नहीं, मारिए मत सर, मारिए मत सर, मेरी बात सुनिए। क्या काम था? एक्चुअली क्या है ना सर, हमारी कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं ना, उसके लिए एक फंक्शन है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने के लिए आया हूँ सर। क्या क्या प्रोग्राम है? पहले पूजा का डांस है। पूजा कौन? पूजा कौन? पूजा पूजा अर्चना। के अर्चना तय कर ले पहले। लड़की कौन? नहीं सर, लड़की नहीं, पूजा, भगवान की पूजा होती है ना, वो आ गया तब डांस। उसके बाद आपकी देशभक्ति पर एक संस्कृत नाटिका थी ना, उसका मंचन है। उसके बाद वक्तृत्व स्पर्धा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है? कौन है? लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ओ, नमस्ते माँ जी। आप भी अंधे हैं? आप भी अंधे हैं? मुझे क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक खेल रहे हैं? हाँ? नहीं, मुझे लगा वो व्हाइट खेल रहे हैं। तेरे गले का पट्टा कहाँ गया? क्या वो दुख रहा था ना, इसलिए मैंने निकाल दिया वो। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं गले में पट्टा पहनता हूँ? मुझे तेरी सारी हरकतें मालूम है। वो रोजी मैडम के साथ तेरा टाका भिड़ा है ना? मैं निकलता हूँ। पी के नहीं जाएगा? मैं नहीं पीता। नहीं पीता? अबे दिन में तो हम भी नहीं पीते। ये चाय की बात कर रही है। चाय? आप इतनी प्यार से कह रही हैं तो प्लीज प्लीज बना दीजिए ना चाय। शर्म, मैं अंधी होके चाय बनाऊंगी? कमीने, जा सबके लिए चाय बना, रसोई घर वहां पे। मुझे चाय बनाने नहीं आती। तो बैठा क्यों है?
ठीक है मैं निकलता हूँ। वहाँ क्या भीख मांगने जा रहा है? बाहर जाने का रास्ता वहाँ है। वहाँ कर रहे हैं आप? अबे कार्ड तो देखे जा। ये लीजिए। तू ये ले। नहीं, ये बुक मुझे पढ़ने नहीं आती। ले ना। बहुत मारते हैं आप लोग। जय मदर मेरी। हेलो। जी मैं समीर बोल रहा हूँ अमेरिका से। आप कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है भाई? मैं पांडू। देखिए मिस्टर पांडू, मिस्टर आंडू, आप जो भी हो मेरे ग्रैंडफादर से कह दीजिएगा कि मैं आज अमेरिका से लौट रहा हूँ। रात को 1:30 बजे मेरी फ्लाइट लैंड करेगी। एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। थैंक यू। क्या हुआ गोपाल? क्या हुआ? समीर आ रहा है। क्या समीर आ रहा है? अरे सब वही तो बोल रहे हैं यार। देखा, मैंने कहा था ना एक दिन इसकी जाल में फंस जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग भी सामान बांधो और निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाएं यार, ऐसा घर भी तो मिलना चाहिए ना। या तो बूढ़े हो, दोनों अंधे हो, दोनों आगे पीछे कोई नहीं हो, ऐसा घर मिलने को टाइम लगता है यार। यार तुझे घर की पड़ी है या पुलिस का चक्कर हो सकता है? ए ओ, नहीं मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मैं जा रहा हूँ। अरे चुप करो यार, तुम लोग सोचने तो दो, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। संदूक यार, इसमें जरूर माल होगा। हाँ यार, फिल्मों में दिखाते हैं ना, संदूक खोला और उसके अंदर हीरे जवाहरात सोना अशरफियां। क्या तुम्हारा इसे भी चोरी करने का इरादा है क्या? हाँ नहीं देख, गोपाल नहीं है। गोपाल देख, नहीं गोपाल क्या कर रहा है तू? अरे माधव समझा इसको। गोपाल देख, नहीं अरे पागल हो गया तुम लोग। जिस घर में तुम्हें इतना प्यार मिला, जिस घर का तुम लोगों ने खाया पिया, उसी में छेद करोगे? मैं छेद थाली में होता है यार, घर में थोड़ी होता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे लगता है तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे यार चोरी थोड़ी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर कुछ मिल गया तो लोन लेके लौटा देंगे। देख गोपाल ये पाप है। हाँ देखिए दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। देख भगवान भी ना बोल रहा है। गोपाल बात मान ले मेरी। गोपाल नहीं। अच्छा उस तरफ से खुलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए।